हरे कृष्णा। तो ये है सिद्ध बकुल और यहाँ पे श्री राधा कृष्ण की बहुत ही सुंदर विग्रह हैं। और यहाँ पर प्रभु जी ने हमको हरिदास ठाकुर जी की जो स्टोरी सुनाई, जो इसके बाद फेसबुक लिंक में आपको मैं शेयर करूँगा। ये गौर निताई के बहुत ही सुंदर विग्रह हैं और राधा कृष्ण के विग्रह। ये बहुत सारे सुंदर सुंदर विग्रह हैं जो सिद्ध बकुल के हैं। और यहाँ पर ये गौ माता है जो कि बहुत ही अच्छी है। बड़ा मजा आ रहा है। नहीं, ये गलत बात, चिढ़ गई है, चिढ़ गई ना। ये क्या काम है? ये सिद्ध बकुल है और यहाँ इस वृक्ष के नीचे श्री हरिदास ठाकुर जो हैं वो 300,000 हरिनाम जप रोज किया करते थे। श्री हनुमान जी का विग्रह है यहाँ पर, श्री चैतन्य महाप्रभु। ये अंदर से पूरा खोखला है लेकिन क्योंकि ये सिद्ध है तो इसलिए इसमें इतनी गर्मी में भी इतना हरा भरा है। क्योंकि हरि नाम सुनने से सारे जीवों का उद्धार होता है, वैसे ही ये सिद्ध बकुल है, इसका भी उद्धार हो गया और ये इस तरह से सिद्धावस्था में है अभी। ये बहुत ही दिव्य वृक्ष है। सिद्ध बकुल की एंट्री में ही ये बहुत सारे एम्बॉस पेंटिंग्स हैं 3D में ही, जिसमें कि हरिदास ठाकुर जी की बहुत ही सुंदर कथाओं का चित्रण किया गया है। इसमें उनकी अलग अलग लीला कथा है, उसके लिए आपको इनकी लीलाओं को शुद्ध वैष्णव भक्तों के मुख से सुनना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको अगली बार ज़रूर इस्कॉन भोपाल के साथ जगन्नाथपुरी की यात्रा में आना पड़ेगा। इसकी पूरी कथा जानने के लिए अगली यात्रा में ज़रूर आइए। हरे कृष्णा।